ओम शांति। हम सभी का अंतिम लक्ष्य कर्मातीत होना है। कर्मातीत होने के लिए हमें सभी विकर्मों से अतीत होना पड़ता है, अर्थात सभी विकर्मों को नष्ट करना होता है। और जब हमारे विकर्म नष्ट होते रहते हैं तो उसकी एक सुंदर प्रत्यक्ष पहचान होती है कि अन्य विकर्म, सूक्ष्म विकर्म भी हमसे नहीं होते हैं। कर्मातीत होने के लिए हमें कर्म करते हुए भी ऐसे कर्म करने होते हैं मानो हम कुछ नहीं करते। इसको ही आत्मा की निर्लिप्त स्थिति भी कहा जाता है। वैसे हम जानते हैं आत्मा निर्लिप्त नहीं है, लेकिन कर्मों में वो लिप्त न हो, निष्काम हो जाए, ये स्थिति कर्मातीत होने के लिए परम आवश्यक है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। हम अपने सभी कर्म करते हुए कर्मों के आकर्षण और कर्मों के प्रभाव से परे रहेंगे। दूसरी चीज है, कर्मातीत होने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र होना होता है, कर्मेंद्रियों को शीतल करना होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है कि सभी आत्माएं हैं। अपने घर में बैठकर सारे संसार के मनुष्यों को आत्मा देखें कि सभी के मस्तक में ज्योति चमक रही है। ये सब देव कुल की आत्माएं हैं, ये सब भगवान के बच्चे महान आत्माएं हैं, ये विभिन्न धर्मों की आत्माएं सब चमकती हुई मूल रूप से पवित्र आत्माएं हैं। ये अभ्यास बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि विकर्मों को नष्ट करने के लिए तो हमें बहुत पावरफुल योग करना चाहिए। अगर पावरफुल योग हमारा नहीं होगा तो हमारे और कर्म भी विकर्म बनते रहेंगे, या हम साधारण कर्मों में रहते रहेंगे, या कुछ व्यर्थ कर्म हमसे होते रहेंगे, और इस तरह कर्मों का बंधन हमें निरंतर बांधता रहेगा। परंतु हमें कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना है। एक बहुत अच्छी चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना। जो आत्मा व्यर्थ संकल्पों से और साधारण संकल्पों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, समझें कि वही कर्मातीत अवस्था की ओर तेजी से चल रही है। यों तो ज्ञान के बल से हम अपने सभी व्यर्थ को समाप्त करते हैं, परंतु दो चीजों की प्रैक्टिस विशेष रूप से हमें करनी है, और वही प्रैक्टिस आज सारा दिन भी हम करेंगे। पहली प्रैक्टिस है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब हम अपने इस स्वरूप में रहते हैं और साथ में बाबा हमारे साथ है, तो माया के विभिन्न संकल्प हमारे पास नहीं आते। ये बहुत बड़ा फायदा होता है स्वमान से। जितना हम इस स्वमान के नशे में और इसके स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, माया के विभिन्न तूफानों और संकल्पों से हम मुक्त होते जाएंगे। और दूसरी बहुत बड़ी स्मृति जो बाबा ने हमें दिलाई है, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। इसकी बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा ब्रह्मकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, राजा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। बार बार अपने को ये गुड फीलिंग देनी है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। तो न मैं किसी संस्कार के अधीन हो सकती, न मन के अधीन, मन मेरे कंट्रोल में है। ये फीलिंग बढ़ाते चले, हे मन मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अभी मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम व्यर्थ की ओर न बह जाओ। हे मेरे संस्कारों, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम तो पवित्र संस्कारों से संपन्न हो, तुम तो बड़े डिवाइन हो, तुम तो सुखदाई हो, तुम तो सभी के कल्याणकारी हो, अब अपने उस स्वरूप को इमर्ज कर।
करो। तो ये दोनों प्रैक्टिस हम आज सारा दिन रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी हूँ, साथ साथ अभ्यास करेंगे परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, जैसे कि ऊपर से शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है। ओम शांति।